भगवते वासुदेवाय गीता का रूप अध्याय 9 अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या आज हमारा बोर्ड पर है यानी हमारे शेड्यूल में है 17 तो मेरे पीछे दोहराइए पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रं ओंकारं ऋग्साम यजुरेव च पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रं ओंकारं ऋक्साम यजुरेव च पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रं ओंकारं ऋक्साम यजुरेव च आप लोग दो रहिए पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रं ओंकारं ऋक्साम यजुरेव च शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की पिता पिता अहम मैं अस्य इस जगत ब्रह्मांड का माता माता दाता आश्रदाता पितामह बाबा वेदम जानने योग्य पवित्रम शुद्ध करने वाला ओंकार अक्षर ऋग्वेद साम संवेद यजुहु यजुर्वेद एवं निश्चय ही तथा मेरे पीछे बोलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पिता महा हूँ मैं के जानने योग्य शुद्धि करता तथा
ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य सुनिए, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के विरुद्ध अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता कुछ पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आया धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश हैं अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही। हम वेदों से भी जानना चाहते हैं कि वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश अतः कृष्ण ही भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। ओम ज्ञान तिमेहं दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में जिसमें कि हम ये नवा अध्याय पढ़ रहे हैं और नवे अध्याय का जो नाम है परम गुह्य ज्ञान। ये परम और गुह्य और ज्ञान ये बहुत ही परम है और ये गोपनीय ज्ञान है जिसे कृष्ण अब दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को। तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक से ही जुड़ा हुआ है जैसा हमने पिछले बात चर्चा की थी, क्योंकि कृष्ण के मुख से एक बात निकल गई थी 15वें श्लोक में, ज्ञान यज्ञेन चाप अन्य अन्य है ये सारे। तो जैसा हमने पिछले बार भी कहा था कि कृष्ण भगवान ने ये कह तो दिया लेकिन ये सोचने लगे अन्य का मतलब है कि कुछ और भी है, इसका मतलब उनके अलावा संसार को कंट्रोल करने वाला। इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में जब हमने चर्चा की थी तो कहा था, कितनी बार अहम आया था, कम से कम शायद 7 बार आया था अहम, मैं मतलब भगवान जैसे वो ईगो होता है ना, इस तरह से मैं का प्रयोग किया कि मैं ही हूं अर्जुन, वो अन्य भी मैं ही हूं, मतलब मेरे से बाहर कुछ नहीं है इस संसार में। कहीं अर्जुन ये ना सोच ले कि एक तरफ कृष्ण है और दूसरी तरफ कोई और पार्टी है। तो भगवान आज उससे और आगे बोल रहे हैं। आज भगवान कह रहे हैं मैं कह करके आज भगवान क्या करे पिता मतलब पिता का मतलब क्या है, जैसे वो एक फिल्मी डायलॉग था ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो बाप का मतलब क्या है समझते हैं, बाप का मतलब क्या है, कई बार कहते हैं तुम्हारे बाप का है क्या, बाप का मतलब है वो सब कुछ है, वो सब कुछ उसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब जितनी प्रॉपर्टी होती है वो बाप की होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मैं कह करके आज उस बात को ठप्पा लगा रहे हैं, पिता अहम, मैं पिता हूं।
सोचिए कितनी ये दुर्दांत स्थिति है कि पिता को ये बताना पड़ता है कि मैं पिता हूं तुम्हारा, और फिर भी बच्चे क्या कहते हैं, ना 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 आप पिता नहीं है, बहुत सारे पिता हो सकते हैं हमारे, लेकिन पिता कह रहा है बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन जो बच्चे हैं वो थोड़ा डाउटफुल में है। सोचिए कितनी दुर्दय स्थिति है ये, है ना, कि पिता अगर ये कहे बच्चों मैं तुम्हारा पिता हूं, और बच्चे कह रहे नहीं हम पता लगाएंगे कि आप पिता हो या नहीं हो, अगर माता से कंफर्म कर ले तो कोई एक सेकंड में पता चल जाए, लेकिन वो कह रहे हम अपनी बुद्धि से जानेंगे संसार में पिता कौन है। तो ऐसे कई बिगड़ैल बच्चे हैं जो जिनको भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं पिता अहम, पिता मैं हूं। देखिए भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य, किसका पिता हूं, जगत का, सारे संसार का पिता मैं हूं अर्जुन। पिता अहम अस्य जगतो, माता, माता मैं हूं, धाता मैं हूं, धाता का अर्थ होता है सही सही में नर्स, नर्स को हम सब जानते हैं वो भी एक माता ही होती है। पिता अहम अस्य जगतो, माता धाता, और फिर आगे क्या करें, पिता महा और दादा भी मैं हूं, कहीं कुछ बच ना जाए। भगवान श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं कि कोई रिश्ता बच ना जाए इनका, इतने तो होते हैं रिश्ते बस, जो हमारे केयर टेकर होते हैं, माता चिंता करती है बच्चों की, या दादा चिंता करता है, या पिता चिंता करता है बच्चों की, भाई मेरे बच्चे कुछ खाए पिएंगे, कुछ मिला के नहीं मिला, इनके हिस्से में कुछ आया कि नहीं आया। और फिर आगे कह रहे वेदम, और वेदम को बोल, वेदम का अर्थ होता है जो जानने योग्य है। प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं वेदम, और कैसा हूं मैं जानने योग्य, पवित्रम, बहुत पवित्र हूं मैं अर्जुन। देखिए भगवान को कितना हमें शर्म आनी चाहिए ये श्लोक सुन करके, जो जो कृष्ण, जो जो भगवान को नहीं मानते कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं, उनको डाउट रहता है कि शायद हो सकता है गुरु नानक देव भगवान हो सकता है शायद कुछ और भी भगवान हो, बहुत सारे ऊपर तो और भी कई लोग संस्थाएं ऐसी नहीं, हमारे गुरु दादा है ऊपर वो है भगवान, तो कोई कह रहे कबीर है भगवान, तो और गीता में लिखा है कि कई मूर्ख ऐसे भी हैं, वो कह रहे गीता में ही लिखा है, और यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा भी समझ लेता है इस बात को, है ना, छोटे से बच्चे को अगर पिता कहे बेटा मैं ये तेरा पिता हूं तो बेटा समझ जाएगा हाँ पापा ठीक है आप पिता हो, लेकिन जो थोड़े से ज्ञानी हो जाते हैं वो कह रहे नहीं 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 आप पिता नहीं होंगे हमारे। सोचिए भगवान को कितना दुख होता होगा, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे मायावादी कृष्ण का अपराधी, ये मायावादी हैं जो कहते हैं कि किसी की भी पूजा कर लो सब बराबर है, ये कृष्ण के अपराधी हैं ये, इसलिए श्रील प्रभुपाद इसको बहुत फोर्सली बोलते थे। है किसका ये कोटेशन, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावादी कृष्णेन अपराधी, मायावादी भाष्य सुन ले सर्वनाश, उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाएगा जो मायावादी भाष्य सुन लेगा, कृष्ण की शरण में आ जाएगा तो सारी समस्या का सलूशन हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं वेदम पवित्रम, जानने योग्य कैसा हूं मैं, बहुत परम पवित्र हूं। देखिए ये भी कह रहे हैं भगवान, जैसे सीता माता कह रही थी मैं पवित्र हूं मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया रावण के लंका में, तो भगवान भी कह रहे हैं मैं पवित्र हूं। वेदम पवित्रम ऋग साम यजुर्वेद च, और भगवान यहां पर वेदों का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मायावादी लोग जो हैं, जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि वेद ही सच्चे हैं बाकी सब झूठा है, तो भगवान ने आज उनका भी नाम ले दिया ये लोग। तो ऋग साम यजुर्वेद च, और फिर और भगवान बात क्या कर रहे हैं, भगवान ने एक और इसके अंदर छोटी सी बात डाल दी, क्योंकि कहीं जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो वेदों का अभ्यास करते हैं वो वेदों में एक ही बात पढ़ते हैं, और वो क्या है, ओम, ओम शब्द। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करें, वेदम पवित्रम ओमकार, वो जो वेदों का जो ओम है वो भी मैं ही अर्जुन, कहीं ऐसा ना हो वेद वाले सोचने लग जाए वेद सच्चे हैं। तो वेदों में जो ध्वनि है, यहां मैं एक बात बता दूं जो शायद कहीं स्लिप ना हो जाए, एक बार नासा के लोगों ने इतने ज्यादा कैमरे उतने माइक सिस्टम लगाया था सूर्य के पास ले गए थे, सूर्यदेव में आवाज आ रही थी कुछ, आपने सुना होगा वो व्हाट्सएप भेजा भी गया था, सूर्यदेव से एक ही आवाज निकलती है ओम,
अंदर से आवाज निकलती रहती है सूर्य सूर्यदेव से, ये तो नासा ने मान लिया, सोचिए तो वो ओम कौन है वो तो एक एक समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे। देखिए गीता जब हम श्लोक पढ़ते हैं, गीता का जब कोई श्लोक आता है तो हम आखिर में इसलिए कहते हैं कि प्रश्न पूछिए अगर कोई समझ में नहीं आया तो। एक एक शब्द को समझना चाहिए गीता के, जब एक एक शब्द समझ में आ जाएगा तो हम भय और शोक से मुक्त हो जाएंगे। जैसा कि तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो संसार में माता पिता है वो भी कृष्ण के ही अंश है, वो तुम्हारे शरीर के माता पिता है, तुम्हारे माता पिता नहीं है, वो किसके माता पिता है, वो हमारे शरीर के माता पिता है, हमारे पिता तो एक ही है। जैसे उन्होंने कहा ना किसकी हम उंगली ऊपर है, सबका मालिक एक, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल, सबका मालिक एक है, एक है सबका मालिक। तो कृष्ण भगवान यहां पर पिता बोल रहे हैं। देखिए पिता का भाव क्या होता है भगवान स्पष्ट करते हैं नवे इसी अध्याय के 29वें श्लोक में, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैं तो तेसु चाप्यहम्। पिता ऐसी बात कहता है हमेशा कि मेरे जितने मेरे 8 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, बोलता ना पिता ऐसी बात, सम्मोहम सर्वभूतेषु, सारे जीव मेरे लिए सब एक जैसे हैं भाई, लेकिन जो मेरी भक्तिपूर्व प्रेमपूर्व पूजा करता है वो मेरा प्रिय है। तो पिता भी यही कहता है ना घरों में ज्यादातर, भाई सारे बच्चे मेरे लिए एक जैसे हैं, लेकिन जो बच्चा माता पिता का ख्याल रखता है तो माता पिता का भी प्रेम उनमें अधिक होता है। तो माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हमने मथुरा यात्रा में उस दिन हम जब गए थे तो वो श्लोक मैंने कहा था ना, जब हम पीछे आए तो पीछे लिखा हुआ था कि जो समर्थ होते हुए अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उसे अपराही मांस खाना पड़ेगा अगले जन्म में। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं देवकी और वसुदेव को, क्योंकि देवकी वसुदेव उनके कारण जेल में रहे थे, इसलिए भगवान क्षमा मांग रहे हैं जब उनको जेल से छुड़ा रहे हैं। तो पिता का भाव है ये 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी पिता का भाव है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मैं हे अर्जुन मैं ही सब, जितना भी तुम देख रहे हो संसार में सबका स्रोत मैं, और इस बात को सीख करके बुद्धिमान लोग मेरी पूजा करते हैं। देखिए भगवान बोल रहे हैं, बिल्कुल भगवान मजबूर कर रहे हैं, मतलब गीता जो पढ़ता है ना, गीता को जो थोड़ा सा भी भक्तों से सीख लेगा मजबूर कर देंगे भगवान अपनी पूजा कराने के लिए। ये गीत ऐसा गाया तो ये भगवत गीता, ये भारत वो देश है जहां भगवत गीता रूपी गंगा बहती है, गंगा तो बहती ही बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन हम उस देश के भी वासी हैं जिस देश में भगवत गीता रूपी गंगा बहती है। और अब ये भगवत गीता गंगा कहां लेकर जाती है, ये गीता गंगा लेकर जाती है उसी कृष्ण रूपी, कृष्ण भावनामृत रूपी समुद्र में लेकर जाती है, क्योंकि सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं। तो हमारी जितनी भी नदियां हैं, जितने भी हमारे भाव हैं, ये सारे कृष्ण के ही चरणों में जाने चाहिए, तब हमारा जीवन सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा अगला एक और श्लोक है 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, आम कृष्णस्य जगतः है प्रभवः प्रलयस्य तपः। हे अर्जुन उसमें भी भगवान ये कहते हैं मैं ही संसार का प्रकट करने का कारण हूं, मेरे कारण ही संसार प्रकट होता है। और एक और श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये श्लोक है 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, बीजम माम सर्वभूतानां। किसी को कहीं डाउट रह जाए, कृष्ण शायद हो सकता है थोड़ा डाउटफुल हो, नहीं, देखिए उस अध्याय में क्या करें भगवान, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, ऐसा पिताऊ जो कभी बदलता नहीं है, सनातन पिताऊ मैं तुम्हारा। बीज का मतलब क्या होता है, जितना बड़ा पेड़ बीज उसका कारण होता है, बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतां नस्मि तेजस तेजस्वी नामहम, मैं ही तो बुद्धि हूं सबकी, मैं ही सबका तेज हूं, मैं सब कुछ हूं अर्जुन। देखिए भगवान मतलब मजबूर कर रहे हैं जीव को उनकी शरण में आने के लिए। हम अपने पिता के लिए तो इतनी चिंता करते हैं, खैर आजकल के लोग तो उतनी चिंता नहीं करते, लेकिन कम से कम अपने संबंधियों की हम कितनी चिंता करते हैं। और जो पिता है, पिता को क्या चाहिए,
हम सब माता पिता हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी संतान से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु जी, कि माता बच्चे हमें थोड़ा सा मिठास से बोल लें बस, और कुछ नहीं चाहिए माता पिता को, थोड़ा मीठे शब्द बोलते हैं बस। कृष्ण भी वही चाहते हैं कि उनको कोई थोड़े से मीठे शब्द बोल दे, उनका नाम बोल दे मीठा सा बस। लेकिन हम वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, हम घर जाकर पता क्या कहते हैं, सोचेंगे भाई कृष्ण आप पिता तो हो, ठीक हो, रहो, होगे, लेकिन हमारे पास भी तो टाइम नहीं है, तुम जानते हो कितना काम है हमें, तुम तो पिता बन गए, घर जाकर सोचेंगे मेरी कितनी ख्वाहिश है, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुश करूंगा, मैंने देखा ही क्या है संसार में, अभी जो पिता का नाम लेने लग जाऊं, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे, अभी तो शादी देखनी है, बच्चों की शादी देखनी है, वो पिक्स निक स्टेशन जाना है, मॉल जाने, कितने सुंदर सुंदर मॉल गए पिता, बैठे रहो ना मंदिर में चुपचाप, सुबह सुबह से एक बार घुमा देंगे आपके सामने, आपको थोड़ी मिश्री दे देंगे, उसी से खुश हो जाना। इसलिए हमारी परंपरा में लड्डू गोपाल की पूजा मना है, हमारी परंपरा में हमारे भक्तों को चाहिए कि लड्डू गोपाल को ना लेकर आए घरों में, जो ज्यादातर ले आए हैं वो तो अच्छे से पूजा करें, लेकिन आगे से कोई लड्डू गोपाल ना खरीदे। गौड़ी वैष्णव परंपरा में अपराध माना जाता है कि लड्डू गोपाल की कोई पूजा कर रहा है घर में, आगे से नहीं, जिन्होंने ले लिए तो ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण को गीता के हिसाब से, हमारी वो वल्लभाचार्य की परंपरा है जो लड्डू गोपाल खरीदते हैं, लड्डू गोपाल उनको थोड़ा लड्डू दे दो और बाद में सारा दिन टीवी देखो, नहीं लड्डू गोपाल नहीं, हमारे यहाँ होने चाहिए गीता बोलने वाले कृष्ण, कि मैं हूं अर्जुन, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरेशति अपि चेतत्व अहंकारात् न शोषसि विनशसि, मैं सर्वनाश कर दूंगा उस व्यक्ति का, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, हमारे घर में वो कृष्ण होने चाहिए। क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं सारे दुर्गुण तुम्हारे शरीर में से, तुम्हारे दिमाग में से जो भरे हैं मल साफ कर दूंगा। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरेशति, तुम तैर जाओगे इस भव सागर से, अतः अपि चेतन तु अहंकारा ना शोषसि, लेकिन अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे। लास्ट में भगवान जाकर के डांटते हैं, फिर कई लोग होते हैं ना घर जाकर सोचेंगे माला पकड़े या नहीं पकड़े, प्रसाद मिल तो रहा है माला करने की क्या जरूरत है, सारे फैसिलिटी मिल तो रही है माला करने की क्या जरूरत है। देखिए जो भक्त माला का जप नहीं करता वो बहुत बड़े एक शहद के समुद्र से बहुत दूर है, जो भक्त भगवान का नाम नहीं लेता समझो वो बेचारा कांटे खा रहा है इस जीवन में, खाने को उसको कांटे मिलते हैं, जो भगवान का नाम नहीं जपता कैसा उसका सूखा जीवन होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ यहाँ बैठ करके, कि जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, उसका जीवन शमशान में रहने के समान है, उसकी आंखें अंधे से कई गुजरी, उसकी जीभ मेंढक से भी बेकार, उसकी जीभ, उसकी सांस लेना सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लोहार की धोखने के समान है, जो भगवान का नाम नहीं लेता कितना आश्चर्य, कितना आश्चर्य। और भगवान ने कितनी सुविधा दी है कि नाम जप करो और सारा सुख यही दे दूंगा मैं आपको, सोचिए कितना दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो भगवान का नाम नहीं लेता, आवारा लोफर ऐसे बाहर घूम रहा है, नाम लेने में उसको कठिनाई अनुभव हो रही है, कैसा उसका सुना सुना जीवन होगा, आप खुद ही कल्पना करो, जो लोग जप करते हैं यहां तो सुबह होते ही एक ही चिंता हो जाती है 16 माला एक बार हो जाए बस, और 16 माला करते हैं तो उसमें कृष्ण को याद करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, हे प्रभु जैसे भी राखो हम आपके पुत्र हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और बोलते हैं पिता के क्या क्या कार्य होते हैं, पिता क्या करता है, उत्पन्न करता है संतान को, तो भगवान से हम उत्पन्न हुए हैं, भगवान हमें उत्पन्न कराते हैं और रक्षा करता है पिता। तो कृष्ण बोलते हैं गीता में क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत छंति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी ही नमे भक्त पुण्यशति, एक कुंती पुत्र जो मेरे शरण में आ जाता है उसका विनाश नहीं हो सकता। देखिए ऐसे पिता को भी हम ठुकरा देते हैं, भगवान बोल रहे हैं ये बात कि जो मेरी शरण में आ जाएगा हे कुंती पुत्र तुम घोषणा कर दो उसका विनाश नहीं होगा। और 18
आठवें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या करें, उसको मैं सर्वनाश कर दूंगा उसका। नवें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो मुझे भगवान नहीं मानता वो नीचे गिर जाएगा अर्जुन। देखिए एक श्लोक है, अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता चतुर्भुरे विचे न तो मामा भी जानती यमनश्चास्मि तत्वतः। ऐसा व्यक्ति नीचे की योनियों में जाएगा जो मुझे परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा अर्जुन, नवें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। तो गीता का जो ये पूरा का पूरा जो श्लोक भगवान बोलते हैं ये एक पिता का दर्द है वास्तव में। इसलिए भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि मैं पिता हूं अर्जुन तुम्हारा। जैसे कई बार पिता बच्चा नालायक निकला है तो पिता क्या कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और पिता बच्चा क्या कहता है, सब करते हैं सब पशु पक्षी भी अपने बच्चों को पालते हैं, तुमने क्या पाला है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूं अर्जुन, पिता अहम अस्य जगतो माता। और अर्जुन स्वीकार करते हैं इसको, अर्जुन कहते हैं आप पिता हो। 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में आप निकाल के देखेंगे 43वें में, पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप जगत के पिता हो। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। देखिए पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप संसार के, लोक का मतलब होता है पूरे संसार के पिता हो प्रभु, और चराचर का मतलब है जितने भी चलने वाले जीव हैं और अचल जीव हैं आप सबके पिता हो हे प्रभु। इसके अलावा 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कृष्ण कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम् बीज वर्ग पिता। कहीं अर्जुन ये ना सोच ले शायद चींटी के पिता कोई और होंगे, हाथी के कोई और पिता होंगे। तो भगवान क्या करें, सर्व योनिषु कौन्तेय, जितनी भी योनियां अर्जुन, अहम् बीज वर्ग पिता, मैं सबको बीज देने वाला हूं, ऐसा पिता हूं मैं, कुछ छोड़ा ही नहीं भगवान ने। और फिर भी संसार के सामने सोचिए कृष्ण को क्या फीलिंग होती होगी, भगवान क्या सोचते होंगे जगत के बारे में, जब कोई ये भी डाउट कर लेता है कि पिता पता नहीं कौन है। कोई कहता है हिंदू मुसलमान, वो भी तो कृष्ण के ही पिता है, कृष्ण के ही बच्चे हैं वो भी तो। एक रस खान नाम का एक हुआ है मुसलमान भी, आपने सुना है, जब हम हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें कविता आती थी, रस खान को दर्शन हुआ था भगवान का, क्योंकि उसने बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण के मुखमंडल का गुणगान किया अपने पुस्तकों में। तो जब कृष्ण के रूप में आए तो रस खान ने जानते क्या कहा, हे प्रभु मैं तो मुसलमान हूं, आप मुझे पठान के रूप में दर्शन दो। तो भगवान कृष्ण ने पठानी सूट पहन कर खड़े हो, ये लो। देखिए कृष्ण ऐसा नहीं है कि उनके पिता नहीं है, सबके पिता है भगवान। जो जानते नहीं तो वो सोचते हैं कि हम इनको मार देंगे, वो सबके पिता है। गुरु नानक देव का तो आप जानते ही, उनकी गुरु ग्रंथ साहिब में कितने बार कृष्ण का नाम आता है, कोई डाउट ही नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, आज ही हमने एक व्हाट्सएप देखा जिसमें देखिए ईसा मसीह क्या कहता है, आज ही प्रभुपाद का कोटेशन आया ना, वो कह रहा है कि मैं तो उस परम पिता का पुत्र हूं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और सच बात है पूरे बाइबल में उन्होंने यही कहा है, उस परम पिता का मैं पुत्र हूं। इसलिए द लॉस्ट डेज एक बुक है, 31 जुलाई का कोर्ट ऑफ द डे आप चेक कर लेना, प्रभुपाद का जो कोर्ट ऑफ द डे है 31 जुलाई का देखना, उसमें लिखा है कि ईसा मसीह भारत में आए, जगन्नाथपुरी मंदिर में रुके, और उनके ग्रंथों में जानते क्या लिखा है, द लॉस्ट डेज, उसमें लिखा है कि ईसा मसीह पता नहीं कहां चले गए, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन वो जगन्नाथपुरी मंदिर में आकर रुके 31 जुलाई का, आप देखना। उसमें पुस्तक का नाम भी दिया प्रभुपाद जी ने, कौन सी पुस्तक में ऐसा लिखा है कि वो जगन्नाथपुरी मंदिर में रुके। प्रभुपाद उसमें कहते हैं जब अगर उनके पुत्र ना होते तो क्यों जगन्नाथ जी के पास आते, उनके बेटे थे। तो इस प्रकार से ये पिता की हमने व्याख्या की। आगे चलते हैं माता, आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं, माता तो मैं माता हूं। तो इसमें शरीरों को पैदा करने वाली माता, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ऐतरेय उपनिषद एक श्लोक आता है, कौन से उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद, स एकषत् तत् तत् तेजो सृजत्, उसने देखा प्रकृति के ऊपर और उसने सृजन चालू कर दिया। मतलब भगवान को ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष की तरह से संतान उत्पन्न करना पड़ता है, नहीं,
वो अपनी आंखों से गर्भस्थ कर देते हैं प्रकृति देवी को, अंगानि यस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कल्यान्ति चिरं जगन्ति। इसका मीनिंग जानते क्या है? हम रोज गाते हैं ना गोविंद मंत्र, इसका मतलब है कि हे कृष्ण, आप अपनी एक इंद्रिय का कार्य दूसरी एक इंद्रिय से कर सकते हो, और आप भौतिक जगत को भी देखने वाले हो और आध्यात्मिक जगत को भी देखने वाले हो, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस बात को कि भौतिक जगत को भी उनकी ड्यूटी है देखना और आध्यात्मिक जगत को भी उनकी ड्यूटी है। तो ऐसे जीवों के लिए, अब देखिए माता कैसे है भगवान, किसी जीव की इच्छा है मुझे कुत्ता बनना है, अगले जन्म में कुत्ते की तरह वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। एक प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे विदेश में, तो चूंकि विदेशों में तो कुत्ते को बड़ा ही अच्छे से रखा जाता है, और कभी कभी देखिए जो हमारी आदतें होती है ना, वो कुत्ते वाली धीरे धीरे बनती जाती है। जैसे कुत्ता करता है, तो कहा गया है शास्त्रों में कि जब व्यक्ति 50 साल का होता है तो उसके यहाँ सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है, कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, गधे का, घोड़े का, ऊंट का, बैल का, 50 साल के बाद तैयार हो जाता है। बस उसको क्या करना है, जैसे किराएदार क्या करता है, पहले मकान देख कर आता है, बाद में पुराना मकान खाली करके उसमें समा कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी आदतों के अनुसार पहले से शरीर तैयार कर लेते हैं, कुत्ते के में जाना है, बिल्ली के में जाना है, किसके में जाना है। जैसा मैंने एक बार कहा था, अगर किसी पुरुष को कोई स्त्री देखते ही ये भाव आता है कि इसका भोग करना चाहिए, कितनी सुंदर है, इसका मतलब है वो कुत्ते का शरीर यहाँ बन गया। क्योंकि कुत्ता किसी भी माता कुत्ता कुत्तिया को देखता है तो वो यही सोचता है, ये अपना चेस्ट एक्सरे है ये हमारा। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को देख करके ऐसा भोग की इच्छा करती है, इसका मतलब वो कुतिया बन चुकी है ऑलरेडी यहाँ पर, बस मनुष्य के शरीर में है, ये भाव बदलना पड़ेगा। अगर ये भाव नहीं बदला तो कोई डाउट नहीं कि वो व्यक्ति कुत्ता या कुतिया ही बनने जा रहा है, नो डाउट, है ना। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो आखिरी शरीर में सूक्ष्म शरीर बन गया उसको तोड़ पाए, सिर्फ एक विधि है। आप कहोगे 60 साल के हम हो गए और हमारे यहाँ तो जी कुत्ता बैठ गया, अब हम क्या करें, इस कुत्ते को कैसे भगाओ। इसलिए कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यह प्रयति से मत भावम यति नात्र संशय। आखिरी समय में भी है अर्जुन, अगर कोई मेरा स्मरण कर लेगा तो उस कुत्ते को मैं भगा सकता हूं, बाकी कर्म कांड ज्ञान कांड जितनी भी विधियां हैं उसको नहीं भगा सकते जो आपने पका लिया यहां पर। और ये बनता कैसे है, ये सूक्ष्म शरीर हमारी सोच से बनता है, मन उसको लेता है, बुद्धि प्लान करती है ऐसे खाना चाहिए था। जैसे कुछ भी खाने को आए तो कब, अगर इंसान बनना है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, हाथ धोकर खाना चाहिए ना। लेकिन पशु कैसे खाता है, अब हम जैसे जाते हैं गौशाला में कुछ भी दो तो फटाफट गाय खा जाती है ना, कुछ भी जानवर खा जाए ना, तो जानवर है ऐसा इंसान, उसने जानवर बना लिया अपना। कैसे खाना जब आए, जैसे हम लोग बोलते हैं महाप्रसाद गोविंदे, तो ऐसे प्रणाम करके खाना चाहिए, ये है इंसान के कार्य। स्नान करके खाना चाहिए, सर्दी है तो भी स्नान करना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरा जानवर यहाँ बन रहा है। तो माता क्या करेगी, कृष्ण माता क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब कोई अपने सूक्ष्म शरीर को तैयार कर लेता है दूसरी योनि का, मैं उसकी माता बनकर क्या करता हूं, उसी योनि की माता में उसकी जीवात्मा को डाल देता हूं, इसलिए मैं माता हूं जनसार की। समझ में आया ना माता कैसे है भगवान। देखिए लिखा है, जिस जिस योनि में जैसे शरीर की उस जीव को आवश्यकता है, मैं उसी शरीर की माता के गर्भ में उस जीव को डाल देता हूं। समझ में आया, आपकी इच्छा है, आपने सूक्ष्म शरीर तैयार कर लिया यहां पर कुछ, मान लीजिए किसी ने शरीर तैयार कर लिया लोमड़ी का, वो चालाकी करता है, हर कार्य में चालाकी करता है, ऐसा व्यक्ति लोमड़ी बनने जा रहा है, हर चीज में कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो सांप बनने जा रहा है। तो कृष्ण माता के रूप में क्या करेंगे, आपके मन बुद्धि अहंकार को किसी सर्प की गर्भस्थ उसमें डाल देंगे, ये माता का कार्य, मैं जगत की माता हूं अर्जुन, इसलिए भगवान इस बात को कह रहे हैं। आगे आगे भगवान देखिए, एक और मैंने लिखा था ना, यस माता कैसे है भगवान, कितना बेस्ट एग्जांपल है ये। देखिए मैं सोच रहा था, जब बच्चे गर्भ में होता है,
जब तक बच्चा पैदा नहीं होता माता के स्तनों में दूध नहीं होता। जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है माता के स्तनों में दूध आ जाता है। इसलिए कहां से आता है, कौन लेकर आता है? कृष्ण बोल रहे हैं मैं जगत की माता हूं अर्जुन, मैं लेकर आता हूं उस दूध को। एक मिनट पहले दूध नहीं था, अभी भी बच्चा आया तो अभी भी दूध आ गया। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि पिता अहम से जगतो माता, वो माता मैं हूं, वो कार्य मैं करता हूं, माता का भाव मैं लेकर आता हूं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, उस लीला को हालांकि बताना नहीं चाहिए लेकिन बहुत गोपनीय लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु माता के भाव में आकर डांस करने लग गए थे, नाचने लग गए थे, भूल गए थे वो कौन है, लेकिन उसको मैं बताऊंगा नहीं। खैर वो लीला क्योंकि पब्लिक लीला नहीं है। कैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मां बन गए थे भक्तों की सबकी। माय गॉड, तो खैर आगे चलते हैं। अगला शब्द क्या है? धाता। धाता का अर्थ है, दसवें अध्याय के 33वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं धाता अहम विश्व तो मुखम। मैं धाता का मतलब है विधान बनाने वाला, धाता मतलब ब्रह्मा जी, मैं जीवों को प्रकट कराने वाला हूं, जीवों को मैं प्रकट करता हूं। आप समझते हैं ना, विधि विधान, लेखनी विधि, बेमता जिसको समझते हैं ना, छठी के दिन सब लिखा जाता है, वो विधान कृष्ण बनाने वाले हैं। मैं जगत को धारण करता हूं अर्जुन, इसको कहेंगे धाता। जैसे कपिल देव के रूप में वो कहते हैं माता देवती को, हे माता ये जो सूर्य निकलता है ये मेरे भय से निकलता है। धाता का मतलब है मेरा भय ना हो तो ये सूर्य थोड़ी सी भी अगर तेज गर्मी बढ़ा दे तो जल जाएगा, यहाँ थोड़ी सी कम कर दे। अभी देखो थोड़ी सी, अब जानते सर्दी क्यों है, क्यों है सर्दी, आप में से कोई बताएगा क्या कारण हो गया? किसी ने वो कार का वो एच से घुमा करके उस पर कर दिया, कूल पे कर दिया, किसने कर दिया? कैसे सर्दी कैसे होती है? सूर्य की गति कम नहीं, तेज हो जाती है, क्योंकि आग यहां जल रही हो। मान लीजिएगा आग जलाकर हम चारों तरफ आपके घुमाएं, एक तो हम धीरे धीरे यहां से चलाएं तो आपको जलन लगेगी, लेकिन अगर हम तेजी से चलाएंगे उसको तो आपको आग कम लगेगी। सर्दियों के दिनों में हमारे भागवतम के अनुसार सूर्य के देव जो है रफ्तार को थोड़ी तेज कर देते हैं घोड़े में, और रथ देखिए कैसा है सूर्य देव का, एक पहिया है उसमें, एक तरफ मानसोत्तर पर्वत पर उनका रस्सा बंधा हुआ है, एक पहिया है, अरुण देव जिसके तो वो पांव नहीं है, आपने देखा ना कई हैंडीकैप गाड़ी चलाते हैं, अरुण देव के हैंडीकैप है जो इसके घोड़े के चलाते हैं, और 60,000 ऋषि हैं वालखिल्य ऋषि आगे आगे मंत्रोच्चार करते हुए चलते हैं, उतने फास्ट, और स्पीड कितनी है, एक सेकेंड में 14,028 किलोमीटर रफ्तार से चलता है। लेकिन इस मन इन सर्दियों के महीनों में सूर्यदेव अपनी रफ्तार को तेज बढ़ा देते हैं तो सर्दी हो जाती है यहाँ, और गर्मियों में क्या करते हैं थोड़ी स्लो कर देते हैं तो हीट ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। देखिए तो कृष्ण कपिल देव के रूप में कहते हैं माता। एक और देखिए माता का भाव, धाता का भाव, पेड़ों से ऑक्सीजन मैं निकालता हूं, कपिल देव बोलते हैं। सोचो कृष्ण अगर ये कार्य ना करें तो कैसे नर्स का कार्य कौन करेगा? आप तो 24 घंटे श्वास लेते रहते हो, कभी सोचा है कि ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? भगवान बोल रहे हैं देवती माता को कि ये ऑक्सीजन सारे पेड़ों से, मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है सारे पेड़ ऑक्सीजन देंगे, और हम कोई एहसान नहीं मानते। कितने एहसान फरामोश है लोग, देखिए कोई एहसान नहीं मानते। भगवान बोलते आम बैसमाना रहो, आप तो आधा किलो खा लेते हो, दो किलो खा लेते हो, वो डब्बे में चला गया अंदर जो डब्बा बना हुआ है, इसको हजम कौन करेगा? कृष्ण कहते हे माता मैं अहम वैश्वानर हूं, मैं सबका भोजन पचाता हूं पेट में जाकर के। देखिए धाता नर्स का कार्य है, लेकिन कोई एहसान मान ले तो यही कृष्ण भक्ति है। बस आपको एहसान मानना है कि आप सब कुछ आप ही करने वाले हो, ये है भक्ति। अगला शब्द क्या है? पितामह। वाह देखिए हमारे पिता में कितने स्मार्ट हैं। पहली बात तो ये 14 साल और 9 महीने और नहीं 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, इससे आगे उम्र नहीं जाती हमारे दादाजी की, इतने हैंडसम है हमारे दादाजी। आपके शरीर के दादाजी तो बेचारे ऐसे होंगे, अरे सर्दी बहुत हो रही है, मर गया सर्दी कर रहे होंगे। हमारे कुछ दादाजी कैसे हैं, आत्मा के दादाजी हैं वो। शरीर के दादाजी और आत्मा के दादाजी में भेद है।
शरीर के दादाजी बदलते रहेंगे हमेशा, हर योनि में दूसरे हो जाएंगे, लेकिन आत्मा के दादाजी कभी नहीं बदलते। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतमनादिमनंत रूपम आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। देखिए आदम पुराण पुरुषम, आप सबसे पुराने पुरुष हो हे प्रभु, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा था जब कुछ भी नहीं था उनकी नाभि से, इसलिए भी पितामह हैं, क्योंकि हमारे पिता है कौन, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता कौन है, कृष्ण, उनकी नाभि से प्रकट हुए। कृष्ण के विस्तार है गर्भोदक साहिब विष्णु, गर्भोदक साहिब विष्णु से ब्रह्मा जी, तो दादा हुए ना कृष्ण इस दृष्टि से हमारे, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे पिता है, वो सृष्टि करते हैं, धाता अहम विश्वतो मुखम, तो दादा हुए कृष्ण, आदम पुराण पुरुषम, लेकिन कैसे है, नव यौवनम चा, एक नव युवक है। जिस समय जानते हैं संसार में कृष्ण कितने दिन रुके थे, कितने दिन रहे थे संसार में भगवान, आपको याद है कुछ, 125 साल कितने महीने कितने दिन, 5 महीने 1 दिन कृष्ण की संसार में रुके थे, 125 साल 5 महीने 1 दिन तक भगवान इस संसार में रहे थे। और अर्जुन, अर्जुन ने स्वीकार किया आप दादा हो, एक श्लोक मिलता है गीता में, क्योंकि कृष्ण आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं मैं दादाजी हूं, अर्जुन कह रहे हैं हाँ प्रभु आप दादाजी हो। कौन सा श्लोक है, 11वें अध्याय का 37वां श्लोक आप देखेंगे, उसमें कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि आप दादा हो, हमारे संसार के दादा हो। कस्माच तेना नमेरन महात्मन गरीय से ब्रह्मणो प्यादिकत्रे अनंत देवेश जगत निवासा। तो उसमें कह रहे हैं तुम अक्षरम तत्परम यात, आप इस चर अचर छर अक्षर सबसे परे हो और आप पिता में हो, ब्रह्मा जी से बढ़कर हो आप, ये बोल रहे हैं। कस्माच तेना न मेरा न महात्मा, क्यों नहीं कहें आपको महात्मा, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हो, अर्जुन बोल रहे हैं 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में। तो ये हो गया पितामह। अब आगे बढ़ते हैं वेदम, वेदम का अर्थ प्रभुपाद जी दे रहे हैं जानने योग्य, तो इसके बारे में भी भगवान है वेदों के ज्ञाता, मतलब वेदों से भगवान को जाना जाए। 15वां अध्याय 15वां श्लोक वेदम पवित्रम ओंकार, उसमें श्लोक है सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ध्यानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। उसमें भी भगवान नहीं बोल रहे अहमेव वेद्यो, क्यों, वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम, क्योंकि वेदों को मैंने बनाया है, इसलिए मुझे जानने का लक्ष्य होना चाहिए वेदों का। आगे आगे बोल रहे हैं पवित्रम, तो भगवान पवित्रम ओंकार। अब आते हैं ओम के ऊपर, ओम शब्द के विषय में 2 श्लोक मिलते हैं देखिए, और गीता में 3 श्लोक 3 बार भगवान कहते हैं मैं ओंकार हूं, मैं ओंकार हूं, कहां कहां कहा गया। एक तो निकालिए आप 10वें अध्याय का, ये है 25वां श्लोक, महर्षीणां भृगुरहं ग्राममेकं अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। देखिए 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं महर्षीणां भृगुरहं ग्राममेकं अक्षरं, ग्रामम का मतलब है ओंकार, मैं हूं अर्जुन, ओम कौन है, मैं हूं। आज के श्लोक में बोल रहे हैं 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोल रहे हैं वेदम पवित्रम ओंकार, ओंकार मैं हूं अर्जुन, 2 हो गए। अब तीसरा एक और श्लोक है जहां कृष्ण ने ओम बताया अपने आप को, और वो है 7वें अध्याय का 8वां श्लोक, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभासिनी शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु। ये देखिए प्रणव का मतलब, भारत के राष्ट्रपति का नाम था ना प्रणव मुखर्जी, तो प्रणव का मतलब है ओम, प्रणव सर्व वेद, सारे वेदों में जो ओम है वो मैं हूं अर्जुन, तो 3 बार गीता में भगवान ने कहा। लेकिन पद्म पुराण क्या कहता है ओम के विषय में, आइए एक श्लोक है ये जो मैंने लिखा है, ओम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बनता है,
कौन कौन से? आ उ और म। आ उ म ओम, ठीक है। आ का देखिए क्या अर्थ है, अकारे अकारण्य ज्योते विष्णु। आ से बनता है विष्णु, क्योंकि गीता में भी भगवान बताते हैं आ अकारो अस्मि, ए शब्द मैं हूं अर्जुन। देखिए क्यों, क्योंकि किसी भी शब्द के आगे ए लगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। देखिए जब दसवें अध्याय में हम आएंगे तो हम सुनेंगे ए शब्द कृष्ण, जैसे मर आ लगा दो तो क्या बन गया, अमर। मीनिंग बदल गया पूरा का पूरा, अकारो अस्मि। तो कह रहे हैं अकार्य अणोत उच्चते विष्णु श्री रूकारिणी कथयते। श्री का मतलब है लक्ष्मी, रू ए ऊ आएगा यहां, रू नहीं, श्री ऊकारिणी कथयते। तो आम का मतलब हो गया विष्णु और ऊ का मतलब हो गया क्या, कारण श्री। श्री का मतलब लक्ष्मी देवी। और मा करस्तु तरयोर दासा, मा का मतलब है उनके दास, जितने भी भक्त हैं ये सब मां में आते हैं। आ का मतलब विष्णु, ऊ का मतलब श्री मतलब लक्ष्मी देवी, और मां का मतलब जितने भी तयोर दास हैं, आपके जितने दास हैं। और पंचविश प्रकीर्तितः, देखिए क्या श्लोक लिखा है, जिसने भी व्यासदेव की कृति है ये, पंचविश प्रकीर्तितः। पंचविश का मतलब क्या है, पंचविश का मतलब है 25वां तत्व मैं हूं अर्जुन, नहीं मैं नहीं जीव है, जीव के लिए बता रहे हैं भगवान। तो जब हम आपके शरीर को स्टडी करेंगे सांख्य योग से तो कितने तत्व निकल कर आएंगे, 24 तत्व निकल कर आएंगे। आपका शरीर 24 तत्वों से बना है, कभी श्लोक आएगा तो उसको डिटेल में लेकर जाएंगे। 25वां तत्व क्या है, आत्मा। तो भगवान बता रहे हैं कि मां करस्तु तयोर दास पंचविश प्रकीर्तितः, जो 25वां तत्व है मतलब मां सब दास हैं। तो आ ऊ मा का मतलब क्या हो गया, ओम का मतलब क्या हो गया, ओम का मतलब हो गया भगवान, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, और तीसरा हो गया सारे जीव। एक और श्लोक मिलता है ओमकार को, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है, इससे बढ़िया है, ये था पद्म पुराण से। लेकिन एक और श्लोक है, देखिए क्या कहा गया, इसमें हमारे कृष्ण का नाम आएगा। आप कौन है, अकारिणो तो चते कृष्ण, ये प्रभुपाद जी ने कोट किया है। आ का मतलब है कृष्ण, समझ गए, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं गीता में अकारो अस्मि, और कहते हैं आगे सर्वलोके नायकः, अकारण उच्चते कृष्ण सर्वलोक नायकः। कृष्ण कौन है, सारे लोगों के जो नायक हैं वो आ हैं, अर्थात वो कृष्ण हैं। आगे ओकारण तो उच्चते राधा, ओ का मतलब है राधा रानी, और आगे कहते हैं माकारो जीव वाचकः, ये प्रभुपाद जी ने कोट किया है श्लोक। मा का मतलब है जीव, तो ओम का मतलब क्या हो गया, कृष्ण राधा रानी और उनके भक्त उनके दास। ये देखिए ओम शब्द, और तीन बार हमने श्लोक गिनाए, कृष्ण तीन बार बोलते हैं गीता में, 9, 17 आज का, 10, 25 और 7.8, तीन बार गीता में कृष्ण ने कहा, इसलिए कभी भी ओम से आप कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन आप ये कहोगे कि जितने भी मंत्र आते हैं सबके सामने ओम लगा होता है, ओम श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम क्यों लगता है, क्योंकि कृष्ण का आगे बोर्ड लग जाता है तो फिर उनको वो सारा मिल जाती है परमिशन। कई बार आपने टूरिस्ट बस पे लिखा देखा होगा, ये क्या लिखा होता है, पूरे भारत का परमिट है इस बस को जाने के लिए। ओम का मतलब है वो ठप्पा कृष्ण का, तो सारे भक्त ठीक है आप पूजा करिए, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, वो मेरी पूजा है, सेंशन कौन करेगा, मैं ही करूंगा। तो ओम का ठप्पा हवा लगा है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में ओम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से कृष्ण ओम ही है कृष्ण का, लेकिन ये गौण नाम है। ओम से स्पष्ट नहीं होता भगवान कौन है, स्पष्ट होता है अगर हम कहे ओम, स्पष्ट नहीं होता, कृष्ण से स्पष्ट होता है कि कौन भगवान है, समझ में आया ना। तो ये हो गया पवित्र ओमकार,
और आगे है ऋग साम यजुर्वेद च। इसके में मैंने लिखा है ओम का उच्चारण करने से ही सारे जितने भी वेद हैं इनकी ऋचाएं अभिष्ट फल देती हैं। ओम का उच्चारण करने से जितनी भी ऋचाएं हैं वेदों की वो अभिष्ट फल देंगी। वेदवादियों के लिए प्रत्येक क्रिया की शुरुआत के उच्चारण से ओम से शुरुआत होती है, इसलिए भगवान ने यहां ओम स्वयं को बताया है। अब आए हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। ऋग्वेद का मतलब क्या है? समय हो गया, बस दो मिनट हो गए। ऋग्वेद का मतलब है जिसमें नियत अक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। नियत अक्षर वाले ऋचाओं के मंत्र होते हैं उसको ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, सामवेद, सामवेद विभूति कृष्ण भगवान की है। ये भगवान बताते हैं दसवें अध्याय में आएगा ये श्लोक भी, वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानां अस्मि वासः, इंद्रियाणां मनश्च अस्मि, भूतानां अस्मि चेतनम्। उसमें कहेंगे भगवान। तो सामवेद किसका माता है? आपने सुना होगा ना साम दाम दंड भेद। तो सामवेद में समझाया गया है लोगों को कि भाई समझ जाओ जिंदगी का मकसद क्या है। जिंदगी का मकसद सामवेद का जो सार है कृष्ण बताते हैं, इसलिए कि सारे वेदों में मैं सामवेद हूं। समझ रहे हैं? सारे वेदों में मैं वेदानां सामवेदो अस्मि। तो साम का मतलब है भगवान दंड नहीं देते। भगवान क्या करते हैं? अच्छा पिता क्या करता है? समझाता है, समझ जाओ भाई समझ जाओ। जिंदगी में समझने से समझ जाता है वो बुद्धिमान होता है, नहीं तो पिटाई खाकर। और पिटाई कौन करता है? कृष्ण पिटाई नहीं करते, बलराम जी पिटाई करते हैं, बहुत बुरी तरह मारते हैं। वो कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे बलराम जी को गुस्सा आता है, क्योंकि आपने देखा होगा रामायण में लक्ष्मण को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। राम कहते हैं भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि लक्ष्मण बलराम थोड़ा क्रोध दिखाते हैं, पूरी संसार में आग लगा देते हैं। बलराम जी को इतना गुस्सा आता है जब देखते हैं कि प्रलय का समय आ गया और ये लोग अपने कामों में फंसे थे, पूरे संसार में आग लगा देते हैं अपने फुक्कार से। बलराम जी 1001 फनों में से आग उलटते हैं और पूरे ब्रह्मांड, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे जलता है जैसे आग का गोला आकाश में जलता है पूरा, इतना गुस्सा आता है। तो सामवेद के माध्यम से समझाते हैं जीव को कि भाई समझ जाओ ये रास्ता ठीक नहीं है जो तुमने पकड़ा है, अपनी लाइन बदल लो, जैसे पिता समझाता है। तो सामवेद का मतलब है इसमें, और एक छोटा सा है वृत साम तथा साम नाम। जो सामवेद के जो गीत हैं उसमें वृत साम मैं हूं, सामवेद में कुछ गीत आते हैं। तो सबसे जो मतलब सामवेद का अर्थ है ऐसे स्वर के साथ जो गाए जाते हैं, बहुत सुंदर उसमें सॉन्ग्स हैं सामवेद के अंदर। तो ये समझाते हैं लेकिन जीव को। यजुर्वेद में उसका उल्टा है, ऋग्वेद का उल्टा है, अनियमित अक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। और अथर्वेद में जो यहां छोड़ दिया गया है, अथर्वेद में आते हैं अस्त्र शस्त्र भवन आदि का निर्माण करने की जो लौकिक विद्याएं हैं उनका वर्णन है। और अथर्वेद में हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम आया है। अथर्वेद में जो पिपलाद शाखा है चैतन्य उपनिषद है, अथर्वेद में चैतन्य उपनिषद है, चैतन्य उपनिषद में एक पिपलाद शाखा है, वहां ब्रह्मा जी और नारद जी में वार्ता चल रही है कि कलयुग में कौन भगवान आएंगे, तो वहां पर ब्रह्मा जी बताते हैं। तो ये हमें खासकर गौड़ी वैष्णवों को पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का नाम वेदों में भी आया है। अगर कोई ये गाय वेदों में कहा है, अथर्वेद चैतन्य उपनिषद पिपलाद शाखा 19 श्लोक है, कभी उनके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि 19 श्लोकों में क्या वार्ता हुई। तो ये और एक बड़ा उत्तर जो मायावादियों का कहना है कि वेद ही सच्चे हैं पुराण झूठे हैं। एक बार मेरे से शास्त्रार्थ हुआ था, सबने कोई आ गए थे वेदवादी, वो कहने लगे कि वेद सच्चे हैं पुराण तो झूठे हैं। तो एक आप भी नोट कर लीजिएगा 7.1.4 छांदों के उपनिषद जो कि वेदों का ही भाग है, वेदों में ही कहा गया है। क्या उसमें कहा गया है? इतिहास पुराणा नाम पंचम वेदां, ये पांचवें वेद है सारे पुराण, ये झूठे नहीं है। इतिहास का मतलब है महाभारत, इतिहास पुराणा नाम पंचम वेदा नाम, ये पांच वेद है, पांचवा वेद माना जाता है पुराणों को।
तो ये भी अलग नहीं है, कहां कहा गया, वेदों में कहा गया, छांदोग्य उपनिषद 7:14 अध्याय, उसमें ऐसे होते हैं ब्राह्मण, सातवां ब्राह्मण चौथा मंत्र इस तरह आएंगे, तो 7:14 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक वेद था पहले चतुर्वेद, यजुर्वेद, समझिए एक वेद था यजुर्वेद, लेकिन आप भागवत को देखेंगे 1:4, 21 और 22 दो श्लोक नोट कर लीजिएगा, इसमें सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि पहले यजुर्वेद था, बाद में व्यासदेव ने इसके चार वेद बनाए और अलग अलग ऋषियों को दिए, ऋग्वेद दिया पैल ऋषि को, सामवेद दिया जैमिनी ऋषि को, यजुर्वेद दिया वैशंपायन मुनि को, और अथर्ववेद दिया अंगिरा ऋषि को, और जो इतिहास पुराण बच गए थे वो किसको दिए, रोमहर्षण सूत को दिए, लेकिन रोमहर्षण सूत ने ठीक से किया नहीं तो व्यास आसन पर ही हत्या कर दी। बलराम जी मैंने कहा ना बहुत गुस्से वाले हैं, वो व्यास आसन पर बैठ करके ठीक प्रचार प्रवचन नहीं कर रहे थे, इसलिए व्यास आसन पर बैठ करके एज इट इज होना चाहिए, अपनी तरफ से ऐड नहीं करें और कुछ घटाएं नहीं, तो वो जो बैठे थे सही वही बलराम जी आए, वही की वही हत्या कर दी उनकी रोमहर्षण सूत की। फिर सारे ऋषि कहने लगे रहे प्रभु ये तो हमने अपॉइंट किया था 1000 साल के लिए, तो बलराम जी बोले जिंदा कर देता हूं। उन्होंने कहा नहीं 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 आपने मारा है तो फिर जिंदा करोगे तो आपकी बात कट जाएगी, ऐसा करो ये जीवित भी हो जाए और मर भी जाए। तो बलराम जी ने क्या किया, रोमहर्षण सूत के बेटे को बिठाया व्यास आसन पर, कि बेटा जो है पिता का प्रतिनिधि होता है, जीवित भी माना गया और मर भी गया। तो सूत गोस्वामी ने फिर सारे के सारे पुराण सुनाए। तो इस प्रकार से आप भक्तों के समक्ष हमने श्लोक स्पष्ट करने का प्रयास किया, और गीता का एक एक श्लोक एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना चाहिए अच्छी तरह से। अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो अकेले में मुझसे पूछ सकते हैं या एक प्रश्न पूछ सकते हैं, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट में आंसर दे दूंगा। माला रुक जाती है तो खाना रोक देना चाहिए, ऐसे में बिल्कुल सोना खाना रोक देना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद कहते थे जो मंगल आरती में नहीं आता उस दिन उसको प्रसाद नहीं लेना चाहिए, अपने आप को दंड देना चाहिए, और जब अच्छे से माला करें तो अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए। तो भी अब रिकवर करो, टोटल जितना भी बैलेंस हो गया है सबको नोट करके एक्स्ट्रा करके उसको कवर करो, लेकिन माला नहीं रुकनी चाहिए किसी भी हालत में। खाना नहीं रुकता तो माला कैसे रुक सकती है ना, नींद नहीं रुक सकती माला कैसे रुक सकती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग सो कैसे जाते हैं कि माला नहीं हुई सो गया। आज तक देखिए मुझे, मैंने 15 अगस्त 1998 को ज्वाइन किया था इस्कॉन, और आज है कितनी तारीख है, आज 26 दिसंबर 2019, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरी माला पूरी नहीं हुई हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे सो जाते हैं, चाहे रात के 2 बज जाए 3 बज जाए कुछ भी बज जाए, खाना बंद नहीं हुआ सोना बंद नहीं हुआ माला बंद हो गई सबसे पहले। इसका मतलब है हम टाइम पास डिवोटी हैं, हमें कोई मतलब नहीं है भगवान से। भक्त वो होता है जो भगवान के लिए लुट जाए, निंद्रा को लुटा दे, शरीर को लुटा दे, रिश्तों को लुटा दे। भगवान बोलेंगे 12वें अध्याय में जब आएंगे, हे अर्जुन मेरा जो भक्त है मुझे जो पसंद है वो किसी घर बार की परवाह नहीं करता। देखिए 12वें अध्याय में भगवान बोलेंगे जब भक्ति योग आएगा, मेरा जो भक्त है वो मेरे लिए सब कुछ रहता है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।